आज मैं थोड़ा सा सीरियस मुद्दे पर बात करूंगी। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो काफी अहम होने वाला है और मेरी बातें थोड़ी सी आपको कड़वी लग सकती हैं और आप मुझे गाली भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। मुझे कोई भी एतराज नहीं है आज के इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के बाद। ओके, आप सारे ही लोग, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप सभी लोग किसी ना किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होगे। क्या कोई गेट की तैयारी कर रहा होगा, कोई ईएसई की तैयारी का मन बनाया होगा, किसी ने सोचा होगा यस मुझे एसएससी जेई की तैयारी करनी है, और आप सभी लोग कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड हुए होंगे कि यस मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी है। मे भी हो सकता है आपके कॉलेज में कोई आपका फ्रेंड हो जिसने तैयारी करके एक अच्छा रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा हो, आप उससे प्रभावित हुए हो, या ये भी हो सकता है आपका कोई कजिन, आपके रिलेटिव में कोई ऐसा हो जिसने आपको बोला हो कि बेटा आपको ये करना चाहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने ये सारी चीजें सोच कर आपने डिसाइड कराया कि आपको गेट की तैयारी करनी है, आपको ईएसई की तैयारी करनी है, तो माय डियर फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। बिकॉज आपने क्या करा, आपने एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट आपका था आपने उससे डिसाइड करा कि आपको तैयारी करनी है, आपने खुद से नहीं पूछा, आपने खुद को टाइम नहीं दिया, आपने खुद की एनालिसिस नहीं करी। आपने सेल्फ इवेल्युएशन नहीं करा, रादर देन आपने क्या करा, आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आपने उन जितने भी लोग हैं उनसे आपने प्रेरणा ली, आपने मोटिवेशन लिया उनसे और डिसाइड किया कि मुझे तैयारी करनी है। तो अगर आप उनमें से हो तो प्लीज आप ये वीडियो भी छोड़ दो, ये तैयारी भी छोड़ दो, ये आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि बस के बात होने की जो मैंने आपसे बात करी कि ये मेरे बस में है या ये मेरे बस में नहीं है, वो डिसाइड हम लोग तभी कर पाते हैं जब हम लोग सेल्फ इवेल्युएशन करें, अपने आप को जानें। एग्जाम को जानने के लिए आपको सब लोग राय देंगे, मशवरा देंगे, आपसे बातें करेंगे कि आप एग्जाम के एनालिसिस करो, आप ये पूछो, आप वो पूछो, आप इसकी तैयारी करो, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अरे आप सबसे पहले खुद से तो पूछो कि आपको क्या करना है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने अपनी स्वॉट एनालिसिस करी कि नहीं करी। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट होगा वो स्वॉट एनालिसिस के ऊपर होगा कि सबसे पहले आपको खुद को एनालाइज करना है। स्वॉट एनालिसिस क्या होती है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ये चार चीजों से मिलकर एक शब्द बनता है, दैट इज कॉल्ड स्वॉट, जो किसी बिजनेस के लिए भी आप यूज कर सकते हो और मेरा मानना है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। आपको पता होनी चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या आपको टेक्निकल समझ आता है, आप किसी भी ब्रांच के हो सकते हो, क्या आप चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको सब्जेक्ट समझ आते हैं। अगर नहीं समझ आते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट स्पेशल है, हर स्टूडेंट के अंदर एक स्पेशलिटी होती है, उसकी अपनी एक पावर होती है, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। सही जगह पर सही पावर का इस्तेमाल करना ही स्वॉट एनालिसिस कहलाता है। सही जगह पर अगर आपने अपनी पावर लगाई, अगर आप सपोज कर लीजिए मैथमेटिक्स में अच्छे हो और आपको इंग्लिश पढ़ाई जाए तो आप फेल हो जाओगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप फेल हो गए, बिकॉज वो आपकी वीकनेस थी, आप अपनी वीकनेस के ऊपर अपनी पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना चाह रहे थे, अपनी वीकनेस को लेके आप अपनी पूरी लाइफ को डिसाइड करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले आपको अपनी स्वेट एनालिसिस करनी चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी चाहिए, आपको खुद को टाइम देना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं। जैसे कि आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे पता है कि मैं आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें प्रॉब्लम है, मुझे चीजें याद नहीं रहती हैं, मुझे इंग्लिश वगैरह पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, मुझे हिस्ट्री नहीं पसंद है, मुझे ज्योग्राफी नहीं पसंद है, मुझे जनरल स्टडीज पढ़ना नहीं पसंद है। दैट्स वाई मैं उन चीजों में हाथ नहीं लगाती जो मैं नहीं कर सकती। मेरा टेक्निकल स्ट्रांग है, दैट्स वाई आई एम हेयर टूडे। मैं आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाती हूँ, मैकेनिक्स पढ़ाती हूँ, जितने भी मेरी ब्रांच से रिलेटेड टेक्निकल सब्जेक्ट है मैं बस वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाती हूँ। तो वो मेरी क्या हो गई? वीकनेस हो गई, और उसमें कोई बुराई बुराई नहीं है, बिकॉज मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स। मैं आपको अपने ट्वेल्थ की बात बताऊं, ट्वेल्थ में मेरे पास था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 96 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, और हिंदी और इंग्लिश जो कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मेरे मार्क्स उसमें 60-60 आए थे। तो आप उन चीजों को समझ सकते हो, अगर आपने अपनी स्वॉट एनालिसिस नहीं करी है तो आप बेवजह गेट की एसी की प्रिपरेशन करने आ जाओगे और आखिरी में कुछ नहीं मिलना है। जब 1 साल 2 साल गुजर जाता है तो एक बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेशन होता है लाइफ में,
फिर प्राइवेट जॉब्स भी आपको नहीं मिलती हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है लाइफ में। तो सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको स्वेट एनालिसिस करनी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, फिर आपको अपनी वीकनेसेस देखनी है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मेरी वीकनेस है या मेरी वीकनेस टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, ओके? फिर उसके बाद आपको देखना है अपॉर्चुनिटीज कि अगर हम ये गेट की प्रिपरेशन करेंगे तो आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या हम अपनी लाइफ इसमें बना सकते हैं या सिर्फ ये टाइम वेस्टिंग चीजें हैं, ओके? गेट के बाद मुझे क्या करना है, अगर गेट में एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हुआ तो क्या मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, मैं दूसरी तरफ प्रिपरेशन करूंगा या कोई दूसरी जॉब स्टार्ट करूंगा? आपको ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइड करके रखनी चाहिए। देन जो हमारा फोर्थ है इसमें, दैट इज कॉल्ड थ्रेट, ओके? थ्रेट क्या होता है, थ्रेट आपके प्रिपरेशन के टाइम पे क्या हर्डल्स आने वाली हैं, ओके? अगर सपोज कर लीजिए आप किसी पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, आपने डिसाइड करा कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए मुझे कोचिंग की जरूरत है, तो कोचिंग में एक्सपेंसेस की जरूरत होती है, क्या मनी आपका थ्रेट है, ओके? मनी आपकी लाइफ में हर्डल है, आप उससे तैयारी कर सकते हो? मनी आपके पास अगर नहीं होगी तो क्या आप कैपेबल हो तैयारी करने के लिए? तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अपने बारे में। सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना है, उसके बाद आपको एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है एग्जाम एनालिसिस। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हो तो सबसे पहले एग्जाम को चूज करिए। बच्चे क्या करते हैं, मुझे गेट भी करना है, मुझे ईएसई भी करना है, मुझे एसएससी जेई भी करना है, इसरो भी निकाल लेंगे, बार्क भी निकाल लेंगे, एट द एंड कुछ भी हाथ नहीं आता है, क्योंकि हर एग्जाम का पैटर्न अलग है, उनके क्वालिटी क्वेश्चंस अलग हैं, उनकी जो पेपर का पैटर्न है वो सारी चीजें अलग हैं। अगर आप गेट की बात करो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस की क्वालिटी अलग है। अगर आप ईएसई प्री की बात करो तो वहां पर बहुत छोटे और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, उसकी क्वालिटी अलग है। तो आपको आउट ऑफ दीज 4 to 5 एग्जाम्स आपको एक हमारा सेंटर एग्जाम होना चाहिए जिसपे हमारा पूरे साल फोकस रहने वाला है, ओके? अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमें ईएसई की प्रिपरेशन करनी है तो आप ईएसई पे ही फोकस रहिए। गेट का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, ईएसई का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको नॉन टेक्निकल भी ऐड करना है। अपने पूरे साल के टाइम ड्यूरेशन में आपको नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी फिट करने हैं, तो अगर आप सारी चीजें लेके चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक पहले आप एग्जाम डिसाइड करो कि मुझे कौन सा एग्जाम क्रैक करना है। बाकी सारे ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से छूट जाएंगे या आपको उसका फॉर्म नहीं भरना, आपको सब कुछ करना है, मगर सेंटर आपका जो फोकस हो गए ना जिस पर्टिकुलर एग्जाम पे, वो आप डिसाइडेड होना चाहिए कि मुझे किस एग्जाम की तैयारी करनी है। उसके बाद आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन करो और साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट का भी आप पेपर भरो, फॉर्म भरो और पेपर दे के आओ, ओके? तो ये हो गई आपकी एग्जाम एनालिसिस। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा एग्जाम क्रैक करना है 2021 में। अभी बहुत टाइम है हमारे पास और बहुत अच्छा मौका है एक अच्छी तैयारी के लिए। इतना टाइम अगर आप अभी से थोड़े से एक्टिव हो गए, आप थोड़ा सा सीरियस हो गए चीजों को लेके, तो आप 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं, तो जनवरी में जो ईएसई का एग्जाम होगा, जो गेट का एग्जाम होगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। क्रैक करना इट्स नॉट अ बिग डील, आपको कुछ नहीं मिलेगा क्रैक करके। 30, 25, 35, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, मैकेनिकल के हो तो 60 मार्क्स लियो, कुछ नहीं मिलना है। तो क्रैक करना इज नॉट अ बिग डील, तो क्रैक के पीछे मत पड़िए। आपको एक अच्छे खासे मार्क्स चाहिए, उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की ही जरूरत है। विदाउट स्ट्रेटजी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। अब आपने जब डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा पेपर क्रैक करना है या कौन से पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अब आप उसके प्रीवियस ईयर उठाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखो कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा गया है, फ्रिक्वेंटली कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन किन चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। ये सारी चीजें जब तक नहीं डिसाइड करोगे तो आप चाहे किसी भी ब्रांच के हो, आपकी ब्रांच का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जो पूरा स्टडी मटेरियल है, वो बहुत वास्ट है। आप 10 साल भी पढ़ोगे तो खत्म नहीं होना है कुछ, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं एक एक सब्जेक्ट की, कैसे पढ़ोगे?
एक साल में क्या इतनी मोटी मोटी 20-25 किताबें आप खत्म कर लोगे? नहीं खत्म कर पाओगे। तो आपको स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चूजी होना ही पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जा रहा है, रिसेंटली क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, आपको सबसे पहले वो टॉपिक और वो सब्जेक्ट कवर करने हैं। होता क्या है, स्टूडेंट क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को पकड़ लेंगे और उनको पूरा खत्म करना है, और पूरा खत्म करने के चक्कर में, डीप स्टडी करने के चक्कर में बहुत सारी अननेसेसरी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। उससे क्या होता है, जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो जो चीजें याद होनी चाहिए वो भी आपको उस समय ध्यान नहीं आती है, बिकॉज आपके दिमाग में अननेसेसरी भी बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, उस समय माइंड जो आपका है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। और क्या होता है, एग्जाम से 1-2 महीना पहले सारे सब्जेक्ट खत्म करने की वजह से कुछ सब्जेक्ट आपके पूरे ब्लैंक छूट जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट को आप छू ही नहीं पाते हो, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, टाइम कम होता है, वहां पर आप एक सब्जेक्ट के पीछे पढ़ के पूरा खत्म करेंगे हम, वहां पर जब आपका 1 महीना बचता है तो काफी सारे सब्जेक्ट आपके पूरे पूरे छूट जाते हैं। तो आपको एग्जाम की प्रॉपर एनालिसिस करनी है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, कौन से टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं, और यकीन मानिए पूरे 100% सिलेबस में 50% सिलेबस से ही 80% क्वेश्चंस बनते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी, 100% आपका जो सिलेबस है उसमें से आप 50% सिलेबस पढ़ लो, मगर आप वही 50% सिलेबस पढ़ो जिससे 70-80% क्वेश्चंस पर ईयर एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए या तो आपके अंदर खुद कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप चीजों को एनालाइज कर पाओ, या आपको किसी अच्छे मेंटर की जरूरत है, किसी अच्छे कोचिंग सेंटर की जरूरत है, या किसी अच्छे गुरु की जरूरत है। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कोचिंग लेने के लिए सक्षम हो कि नहीं हो, या आप ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए सक्षम हो कि नहीं हो। ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से उन चीजों को मैनेज करते हो। मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैनेज करते हैं चीजों को, और अच्छे से पेपर भी देके क्रैक करते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। बात आती है मोटिवेशन की। अब मोटिवेशन कैसे होता है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर के मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, आसपास के लोगों से मोटिवेट हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं हम मोटिवेट, हमारा मोटिवेशन आउटसाइड टू इनसाइड क्यों हो रहा है? हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, हमें हमारे गोल के लिए मोटिवेटेड होना चाहिए। आप दूसरों से मोटिवेटेड हो रहे हो, और वो जो मोटिवेशन है इट्स अ टेम्परेरी मोटिवेशन। आपके कॉलेज में कोई एक अच्छा टीचर आता है, कोई अच्छा प्रोफेसर आता है, आपको अच्छे से लेक्चर दे के जाता है, आप मोटिवेट हो जाते हो, फिर 3 दिन आप जम के पढ़ाई करते हो, सॉरी टू से कुत्तों की तरह पढ़ाई करते हो, दिन रात सुबह शाम आपने 3 दिन जम के पढ़ाई करी, उसके बाद क्या होता है, क्या वो मोटिवेशन लॉन्ग टर्म के लिए रहता है? नहीं रहता है। 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ता आप पढ़ लोगे, उसके बाद आप सारी चीजें छोड़ के फिर उसी चीजों पे आ जाते हो जो चीजें आप डेली लाइफ में कर रहे हो। कहां गया मोटिवेशन? वो मोटिवेशन इसलिए चला गया बिकॉज वो मोटिवेशन आउटसाइड टू इनसाइड मोटिवेशन था। आपका मोटिवेशन इनसाइड टू आउटसाइड होना चाहिए कि आप जहां पर खड़े हो तो आप सराउंडिंग को मोटिवेट कर दो, ना कि सराउंडिंग आपको मोटिवेट करे। जिस दिन आपने इस तरह की चीजें सोच ली कि मुझे सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, मुझे अपने गोल्स को पूरा करना है, मुझे अपने एम्स को पूरा करना है, आप लाइफ टाइम मोटिवेटेड रहोगे, डीमोटिवेशन का कभी भी आपकी लाइफ में नाम और जिक्र तक नहीं आएगा। फिर कुछ और पॉइंट्स हैं, स्टडी प्लान। स्टडी प्लान एक ऐसा मुद्दा है जो सब स्टूडेंट की परेशानी है। तो प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। देखिए, गोल तो आपने सेट कर दीजिए। 2 तरह के गोल होते हैं, फर्स्ट वन इज द लॉन्ग टर्म गोल एंड सेकंड इज द शॉर्ट टर्म गोल। जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होगा। जस्ट लाइक आपने सोचा कि मुझे ESE की प्रिपरेशन करनी है, तो आपका लॉन्ग टर्म गोल फिक्स्ड हो गया कि पूरे साल में एट द एंड ऑफ द ईयर जब जनवरी में एग्जाम होगा तो वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, मुझे उससे क्लियर करना है, मुझे वहां जाना है। अब शॉर्ट टर्म गोल्स की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स आपके वो गोल्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म गोल से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जो आपको बताते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल को अगर आपको अचीव करना है तो आपको पर डे क्या करना पड़ेगा। अब ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, इसे आप वीकली भी बना सकते हो, मंथली भी बना सकते हो, और डेली भी बना सकते हो।
तो आपको डिसाइड करना है कि आपको लॉन्ग टर्म गोल क्या करना है, देन लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रात में आप जब सोने जा रहे हो तो नेक्स्ट डे आपको क्या पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो रात में आराम से मस्ती करके सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के सोचते हैं कि आज पूरा दिन में मुझे पढ़ना क्या है। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आप रात में डिसाइड करो, 10 मिनट अपने आप को रात में दो, बेड पे जाने से पहले आप बैठो और एक स्टिकी नोट्स आते हैं जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ अपनी लाइफ में, आप स्टिकी नोट्स खरीदो, उसको लो, आप लिखो कि कल आप मॉर्निंग में उठ के क्या करने वाले हो, आप दोपहर में क्या करोगे, आप उसके बाद शाम को क्या करोगे और रात में आप क्या करके सोने वाले हो रिलेटेड टू स्टडी। आपको पता होना चाहिए कि आपके कल के दिन की प्लानिंग क्या है। जब आपको कल के दिन की प्लानिंग पता होगी और आप सोगे तो जब सुबह उठोगे तो माइंड आपको खुद बताएगा कि आपको क्या करना है। समझे इस बात को? तो आपको शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने चाहिए, जरूरी है एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए आपको ये काम करना चाहिए। व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्लियर हो जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करोगे। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करे तो आपको पता चल गया कि ये टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं तो इससे तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपने देखा कि 10 साल में 2 ही सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए तो आप छोड़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं आप उन चीजों को छोड़ सकते हो। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और इसको डिसाइड करने के लिए 2 चीजें आपकी हेल्प करती हैं। पहली तो आपकी प्रीवियस ईयर की पेपर और दूसरा आपका मेंटर। आपका मेंटर 10 साल 12 साल इसी चीज में गुजार के आता है, उसे पता होता है कि क्या पेपर में आने वाला है क्या पेपर में नहीं आने वाला है। और जो आपका मेंटर है वो ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू योर कन्वीनियंट। ओके, आपके पास अगर ज्यादा पैसे हैं, आप एक अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप गेट एंड ईएस जैसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो और सक्सेसफुली स्टडी कर सकते हो। बट अगर आपके पास नहीं है तब भी निराश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको फ्री मॉड्यूल भी दे रहे हैं और जो आपको पेड मॉड्यूल भी दे रहे हैं, वो भी बहुत चीप प्राइस में। तो आप डिसाइड करो और एक ही स्टडी मटेरियल पे स्टिक करके पढ़ो। ऐसा ना हो कि 4 दिन आपने किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करी, फिर 4 दिन आपने अपने कॉलेज की बुक से पढ़ाई कर ली, फिर 4 दिन आपने मेड इजी की स्टडी नोट्स यूज करे, फिर 4 दिन आपने यूट्यूब पर वीडियोस देख के पढ़ लिया, फिर 4 दिन आपने एस इंजीनियरिंग अकेडमी के नोट्स यूज करके पढ़ाई कर ली। नो, आपको एक पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल पे स्टिक होना पड़ेगा, तब आपकी पढ़ाई एकदम सिस्टमैटिक हो पाएगी और आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, एक अच्छा बेस डेवलप कर सकते हो। बेसिक्स आना बहुत जरूरी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। ओके, तो ये बात हो गई हमारी व्हाट टू स्टडी की और व्हाट नॉट टू स्टडी की। अब बात आती है हाउ टू मैनेज ऑल दी सब्जेक्ट्स। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम सारे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें, एक पढ़ लो फिर उसके बाद दूसरा पढ़ना चलो तो पहला भूल जाओ, फिर दूसरा पढ़ लिया चलो ठीक है तीसरा पढ़ना चले तो पहला दूसरा दोनों भूल गए। तो ये प्रॉब्लम तब होती है जब आप डिसाइड करते हो कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सिंगल सब्जेक्ट पर डे के हिसाब से आप पढ़ते हो। इट मीन्स आपने 15 डेज के लिए डिसाइड कर लिया, जैसे कि मैं मैकेनिकल की हूँ तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की आपसे बात करती हूँ, आपने डिसाइड करा कि 15 दिन आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ोगे, तो 15 दिन आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा, जब आप 15 दिन का गोल सेट करोगे तो जाहिर सी बात है आप 18-20 दिन में उसको कवर करोगे, और उसके बाद जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने बैठोगे तो 15 दिन के लिए फिर आप उसको बंद कर दोगे। तो सब्जेक्ट आपने जहां एक हफ्ते के लिए आप डिटैच हुए सब्जेक्ट से, आप सब्जेक्ट भूलने लगोगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप साइमल्टेनियसली 2 or 3 सब्जेक्ट्स पर डे के हिसाब से पढ़ो। सपोज करिए आपने 3 सब्जेक्ट डिसाइड करे कि 3 सब्जेक्ट मैं पर डे पढ़ूंगा, 3 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा भारी होना चाहिए, इट मीन्स थोड़ा कॉन्सेप्ट में हैवी होना चाहिए और साइज में हैवी होना चाहिए, और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट हैं वो थोड़े से लाइट होने चाहिए कि ये आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई, तो जब आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की एनालिसिस करोगे तो स्ट्रेंथ में आपको पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं, एंड वीकनेस में आपको पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट्स आपके नहीं अच्छे हैं। तो एक सब्जेक्ट आप ऐसा लो जो आपका नहीं अच्छा है, और उसके साथ जो 2 सब्जेक्ट लगा रहे हो वो ऐसे लगाओ जो आपके अच्छे हैं। तो जो सब्जेक्ट अच्छे हैं उसमें आप कम मेहनत करोगे, और जो सब्जेक्ट नहीं अच्छा है उस पर आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए।
तो 2 to 3 सब्जेक्ट आप पर डे पढ़ो, मॉर्निंग में 1 to 2 आवर्स आप डिसाइड कर दो, या तो मुझे मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है या तो मुझे एप्टीट्यूड सॉल्व करनी है। गेट में 30 मार्क्स का वेटेज है। अगर सिर्फ एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूरे साल पढ़ के चले जाओगे तो क्रैक तो ऐसे ही हो जाएगा, तो क्रैक की टेंशन क्या लेना, और उससे कुछ मिलना भी नहीं है। तो 30 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो पूरे साल 1 आवर और 2 आवर पर डे पढ़ो। तो मैथ से आप क्या करोगे, 3-4 महीने तक कनेक्टेड रहोगे। या अल्टरनेट कर सकते हो, आपने 1 डे मैथ पढ़ी 1 आवर, फिर 1 डे एप्टीट्यूड पढ़ी 1 आवर, तो आप कनेक्टेड रहोगे सब्जेक्ट से। और जितने दिन आप सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहोगे उतने दिन आप सब्जेक्ट नहीं भूलोगे। फिर आपने 2 टेक्निकल सब्जेक्ट बीच में रख लिए कि हम लोग खाने के बाद, हम लोग जब दिन लंच कर लेंगे तो फिर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद डिनर के बाद 2-3 घंटे 4 घंटे जो हमारे पास टाइम है उस पर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो 3-4 सब्जेक्ट आपको डेली लेके चलना है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जब 1 महीना गुजर जाएगा तो कोई एक सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। सब्जेक्ट खत्म करने के बाद आप फिर उसमें 1 आवर पर डे के हिसाब से ऐड करो जिसमें आपको उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एक सब्जेक्ट उठाते हो, पहले सब्जेक्ट की पूरी थ्योरी पढ़ लेते हो, फिर गेट भी उसी दिन लगा लिए, फिर प्रीवियस ईयर भी उसी दिन लगा लिए, 1 महीने में आपने सब इकट्ठा खत्म कर दिया। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा गेट के क्वेश्चंस लगाएं, फिर पर डे के हिसाब से आधा आधा घंटा ईएसई कन्वेंशनल का एक क्वेश्चन पर डे सेट कर दिया कि ईएसई कन्वेंशनल का एक क्वेश्चन पर डे करेंगे। तो उससे आप कनेक्टेड हो ना सब्जेक्ट से, कनेक्टेड रहो, डिटैच ना हो। डिटैच हो गए तो प्रॉब्लम है। 15 दिन के लिए आपने एक सब्जेक्ट 2.5 महीना पढ़ा, बहुत अच्छा हो गया, एकदम आप स्मार्ट हो गए उस पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आप पढ़ा सकते हो दूसरे को, इतना अच्छा हो गया आपका सब्जेक्ट। जहां आपने वो एक सब्जेक्ट 1 महीने के लिए अलग रख दिया और नहीं खोला, आप सब भूल जाओगे। तो रिपीटेडली पढ़ना है आपको, 3-4 सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं और रिवीजन पर्टिकुलरली करते रहना है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, अभी आपके पास बहुत टाइम है, शॉर्ट नोट्स से पर डे रिवीजन करिए। मॉर्निंग में उठे 1 घंटा मैथ्स लगाई, 1-1.5 घंटा बैठ के शॉर्ट नोट्स पढ़े, और आफ्टर 1 वीक आपको सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज करना रहता है, फिर शॉर्ट नोट्स से बात नहीं बनती है। शॉर्ट नोट्स आपको छोटे छोटे की पॉइंट्स मगर याद रखने में मदद करेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। जैसे कि पर्सनली मैं बताऊं, मैंने आज तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, मुझे नहीं पसंद थे, बट मेरा एक पर्टिकुलर फ्रेंड है जो शॉर्ट नोट्स बना के ही पढ़ता था, उसको शॉर्ट नोट्स से हेल्प मिलती थी और मुझे शॉर्ट नोट्स नहीं पसंद थे। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि आप क्या करना चाहते हो, बट आपको 3-4 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली लेके चलने और अच्छे से तैयारी करनी है उसकी, रिपीटेडली रिविजन करना है, अदरवाइज आप चीजें भूल जाओगे। एक पॉइंट और मैं ऐड करती हूँ इसमें, हाउ टू इंक्रीज मेमोरी पावर। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि वो चीजें भूल जाते हैं, उनको चीजें याद नहीं रहती हैं, तो उसके लिए क्या करा जाए। देखिए, हमें चीजें वही याद रह जाती हैं जो बहुत विचित्र होती हैं, ओके, या बहुत थोड़ी सी ऑड चीजें होंगी वो चीजें आपको याद रह जाती हैं। कुछ एक्सीडेंटल ऐसे केसेस हो जाते हैं लाइफ में जो लाइफ टाइम याद हो जाते हैं। खाना बहुत ज्यादा अच्छा बना होगा तो याद रह जाएगा, या बहुत ज्यादा खराब बना होगा तो याद रह जाएगा ना। तो आप ये बात समझ सकते हो, आपका माइंड वही चीजें याद रखता है जो थोड़ी सी विचित्र हो, अजीब हो चीजें। तो आप क्या करो, अपने सब्जेक्ट्स में जो चीजें पढ़ रहे हो उनको थोड़ा सा अजीब बनाने की कोशिश करो। अजीब सा नाम दे दिया, ओके, उसको एक पेपर में लिखकर पूरी इमेज पूरी ड्राइंग कर ली, एक पेपर पे लेके पूरा सब्जेक्ट का नाम लिखा, छोटा छोटा पॉइंट्स करके लिख लिया, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में आप कोशिश करो कि चीजों को चेंज करो। आपको कोई मूवी दिखाई जाए और मूवी की स्क्रिप्ट दी जाए तो आप मूवी देख के पूरी मूवी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट स्क्रिप्ट पढ़ के पूरी मूवी याद नहीं रख सकते, बिकॉज हमारा जो माइंड है वो पिक्चर्स को ज्यादा अच्छे से कैप्चर करता है रादर देन हम चीजों को उसी लैंग्वेज में रटें। तो अपनी लैंग्वेज में चीजें लिखिए, ओके, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, पिक्टोरियल फॉर्म में कोशिश करिए कि चीज़ों को हम ढाल ले जाएं। जितने भी हमारी डेफिनेशंस होती हैं उनको अपनी खुद की भाषा में लिखिए। आपको हिंदी आती है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में लिखिए, बट अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए तो आप चीज़ें नहीं भूलोगे। तो इसका एक यही तरीका है मेमोरी पावर इंक्रीज करने का, ओके, और आप ये कर सकते हो, थोड़ा सा अपनी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा बीट रूट वगैरह खाइए, उससे क्या होता है आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, माइंड में जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा माइंड एक्टिव रहता है, आप उतनी देर तक एक्टिव रह के पढ़ाई कर सकते हो, आपके अंदर सुस्ती नहीं आएगी। तो डाइट का खासा ध्यान रखिए, ओके, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब बात ये आती है हाउ टू रिवाइज।
पहले तो आप क्या करो, सब्जेक्ट को पूरा पढ़ के खत्म करो, उसके बाद आप एक हफ्ते तक शॉर्ट नोट से काम चला सकते हो। एक हफ्ते तक आप शॉर्ट नोट से पढ़ो, छोटी छोटी चीजें देख ली, 10-15-20 मिनट दिए, पूरा सब्जेक्ट रिवीजन हो गया। एक हफ्ते के बाद आप वो चीजें और थोड़ा सा भूलने लगोगे, फिर आपको दोबारा रिवीजन करना चाहिए। पहला 1 महीने के अंदर रिवीजन करो, फिर 3 महीने के अंदर रिवीजन करो, उसके बाद आप फिर से दोबारा रिवीजन करो, यानी एट एग्जाम तक जाते जाते आपको हर सब्जेक्ट का 5-6 बार रिवीजन हो जाना चाहिए मिनिमम। और रिवीजन का सोर्स आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लो, उनको एनालाइज करो, उनको सॉल्व करो अच्छे से, उसमें कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखो, और आप टेस्ट सीरीज से भी रिवीजन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी आपका रिवीजन का ही सोर्स है। ओके, आप अगर टेस्ट सीरीज देते हो तो बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर उससे, एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं होते, एक सब्जेक्ट का अगर आप टेस्ट सीरीज दोगे तो हर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज में वही टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो एक अच्छी तैयारी आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज से दूर मत भागिए, उसको जरूर दीजिए। ओके, एक और पॉइंट है मेरे पास, टेस्ट सीरीज के ऊपर ही पॉइंट है। आप लोग क्या करते हो, आपने क्या करा, आपने सोचा कि आज मेरा सब्जेक्ट खत्म हो गया, मैं टेस्ट सीरीज दूंगा या दूंगी। आप टेस्ट सीरीज देने बैठे, सब्जेक्ट वाइज आपने टेस्ट सीरीज दी, 25 मार्क्स की टेस्ट सीरीज थी, 17 क्वेश्चंस थे, आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, सबमिट कर दिए, आपके 15 मार्क्स आ गए। आप थोड़े खुश हुए, थोड़े दुखी हुए, 15 मार्क्स आए, चलो ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, एट द एंड हमारा थोड़ा सा मामला अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो पेपर अच्छे होने लगेंगे। आपने टेस्ट सीरीज सबमिट करके आपका लैपटॉप या मोबाइल ऑफ कर दिया। क्यों करा? आपने जो 10 क्वेश्चंस लगाए हैं वो तो आपकी स्ट्रेंथ थी, वो तो आपको आता था, और जो चीजें छोड़ी हैं वो क्या थी, आपकी वीकनेस थी, वो पार्ट आपका वीक था, आपने उसे छोड़ दिया। तो टेस्ट की एनालिसिस अगर आप नहीं कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज देना बेकार है ना। अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, वो तो आपको आते ही थे, अगर आपसे बाद में भी वो 10 सवाल पूछे जाएंगे तो आप कर ही लोगे, इसका मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका स्ट्रांग है। तो जो क्वेश्चंस नहीं लगे हैं वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के होंगे, अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा पाए हो इसका मतलब है वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है। तो आप पूरी टेस्ट सीरीज को एनालाइज करो, ये डिसाइड करो कि कौन से क्वेश्चंस आपने इजिली कर लिए, कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको लग तो रहा था कि आप कर लोगे मगर कर नहीं पाए, या कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जिनकी आपको हवा भी नहीं लगी कि करने कैसे हैं। तो उसके बाद आप डिसाइड करो टेस्ट सीरीज की हेल्प से कि किन किन टॉपिक्स पर, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर आपको मेहनत करनी है। पूरा सब्जेक्ट किसी का भी वीक नहीं होता है, टॉपिक्स वीक होते हैं, पूरा सब्जेक्ट वीक नहीं होता है। आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज देने बैठोगे, कुछ सवाल आपसे बहुत आसानी से लग जाएंगे, इसका मतलब वो सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स आपके अच्छे हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं अच्छे हैं, हमें उन पर मेहनत करनी है। ओके, तो ये सारी बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि किस तरीके से आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को नहीं अवॉइड करना है। एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए ये कुछ पॉइंट्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी आपका मार्च चल रहा है, उसके बाद भी आपके पास 8-9 महीने हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए। अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो, जितनी जल्दी आपसे हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर दो, एज अर्ली एज यू कैन। ओके, उसके बाद डिसाइड करो कि कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, किसी मेंटर को फॉलो करना है, या आप खुद एलिजिबल हो अपने आप को गाइड करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, डांट डपट के बिठाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप करिए, प्रॉपर एक स्टडी प्लान बनाइए, एक अच्छे से आपको पर डे के हिसाब से क्या करना है, आपको रात में पता होना चाहिए कि आपको सुबह क्या करना है, रिवीजन आप प्रॉपरली करिए, चीज़ों को ध्यान रखने के लिए उनको पिक्टोरियल फॉर्म में ढालने की कोशिश करिए, या थोड़ी सी चीज़ों को इन्वायरमेंट से रिलेट करके याद करने की कोशिश करिए। जितना आपके पास दिमाग है उतना ही सारे बच्चों के पास दिमाग है, सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, फिनिशिंग की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करें आपको समझ आए होंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इस वीडियो में लगी हो तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, आपके जो पर्सनल डाउट्स हैं उसको आप मेरी दी गई मेल आईडी पर मेल करके मुझसे क्लियर कर सकते हो। मैं आपके एग्जाम तक आपके साथ खड़ी हुई हूं, थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी स्वेट एनालिसिस स्टार्ट कर दीजिए, थैंक यू।